नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दीपा पाटिल का नाम दिलाने सिडको घेराव आंदोलन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बेलापुर क्रोमा हाउस से प्रारंभ होने वाले इस आंदोलन को लेकर आज दीपा पाटिल एयरपोर्ट नामांतरण सर्वपक्षीय कृति समिति के अध्यक्ष दशरथ पाटिल और रामसेठ ठाकुर ने बेलापुर का दौरा किया और सुरक्षा और सुविधाओं का जायजा लिया। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दीपा पाटिल का नाम दिलाने एक बार फिर प्रकल्पग्रस्त लामबंद हो गए हैं और 24 जून को दीपा पाटिल की पुण्यतिथि पर सिडको का घेराव करने वाले हैं। बेलापुर के क्रोमा हाउस से इस आंदोलन की शुरुआत होने वाली है। आज दीपा पाटिल एयरपोर्ट नामांतरण समिति के अध्यक्ष दशरथ पाटिल और रामसेठ ठाकुर ने आंदोलन स्थल जाकर सुरक्षा और सुविधाओं का जायजा लिया। बताना जरूरी है कि इस बार नामांतरण आंदोलन में सिर्फ प्रकल्पग्रस्त ही नहीं बल्कि शहरी और झोपड़पट्टी क्षेत्र के हजारों नागरिक भी शामिल होने वाले हैं और एयरपोर्ट पर दीपा पाटिल का नाम दिलाने के साथ ही सिडको से जुड़े प्रलंबित मुद्दों के समाधान की आवाज बुलंद करने वाले हैं। इस आंदोलन को लेकर क्या कुछ तैयारियां हुई हैं और किस तरह का आंदोलन होगा, आइए सुनाते हैं समिति के अध्यक्ष दशरथ पाटिल ने क्या कुछ कहा। सरकार ने अभी तक उसके ऊपर कोई कॉमेंट्स किया नहीं, मतलब सरकार आज भी संभ्रम में है और हमें लगता है कि सरकार की देने की इच्छा है मगर कैसे देवे ये भी होगा। इसलिए हमारा विश्वास है कि कई दिन में सरकार को सोचना पड़ेगा कि ओबीसी घटक प्रकल्पग्रस्त घटक अगर सरकार के खिलाफ जाएगा तो उसको राजनीति में परिणाम होने वाला है और सरकार इसके ऊपर कोई कमेंट्स नहीं कर सकता, लेकिन एक न एक दिन सरकार को सोचना पड़ेगा कि दीपा पाटिल नाम ही मंत्र को देना चाहिए। क्रोमा शोरूम से हम निकलेंगे और हमारा धड़क मोर्चा सिडको पे जाएगा, चाहे हमें सिडको पे भी धड़क लिए। सिडको कितना झुकेगा नहीं झुकेगा लेकिन क्या मालूम है, लेकिन सरकार को झुकना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।